हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एज यू लाइक इट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1623 को। सबसे पहले मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर जो इनके राइटर हैं उनके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। विलियम शेक्सपियर जो फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा इन्हें कहा जाता है, और इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ये बिलोंग करते हैं फोर्ट के ऑन ओवन एरिया से, और ये बहुत सारे हंड्रेड ऑफ ड्रामा अपने लाइफ में लिखे थे। और इनकी इन्हें तीन लैंग्वेजेस आती थी, मेन लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रांस और इटालियन। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हो जाती है। अब हम लोग आते हैं एज़ यू लाइक इट की कहानी पे। एज़ यू लाइक इट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले रॉयल लैंड डी बॉयज, जो कि राजा हैं। इनके तीन बेटे हैं, ओलिवर फर्स्ट बेटे जो इनके सीनियर बेटे हैं, और सेकंड जूनियर जैक्यूज, और थर्ड ऑरलैंडो। इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। ओलिवर जो हैं वो एल्डर ब्रदर हैं उनके, और इनका थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है और ये किसी को पसंद नहीं करते हैं। और जूनियर जैक्यूज जो हैं, जिनका माइनर कैरेक्टर है, वो ज़्यादा इसमें शो में दिखाया नहीं है, थोड़े प्रिश टाइप है, पुजारी टाइप इनका नेचर है। थर्ड जो ऑरलैंडो, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, इनका बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। ये अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से संजोना जानते हैं। और लास्ट सेकंड में इन मेन कैरेक्टर द ड्यूक ऑफ कोर्ट, जो कि राजा का एक साम्राज्य है, इसमें दो राजा रहते हैं, सीनियर ड्यूक जूनियर ड्यूक। पहला जो राजा होते हैं सीनियर ड्यूक, वो वनवासी राजा होते हैं एक्चुअली में, मतलब वो अपने राज्य से निकाल दिए जाते हैं और एक तरह से वनवासी राजा बन जाते हैं। जूनियर ड्यूक जो वहाँ के मेन राजा होते हैं, सीनियर ड्यूक की बेटी होती है रोजिलन, और जूनियर ड्यूक की बेटी होती है सीलिया। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। उसके बाद इसमें तीन अलग से मेन कैरेक्टर होते हैं। चार्ल्स, जो कि ड्यूक ऑफ कोर्ट के सबसे बड़ा रेसलर होता है, वो हर एक जो जितना भी रेसलिंग पार्टिसिपेशन होता है उसमें जीतता है। एडम, जो कि वो तीनों बॉयज़ जो थे उनका सर्वेंट होता है, बट वो सबसे ज़्यादा बात ऑरलैंडो की मानता है। रीज़न, क्योंकि वो उसे बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट पर्सन लगता है। रीज़न उसका यही था कि वो ऑरलैंडो को सबसे ज़्यादा मानता है। जैक्यूज़, जो कि बहुत माइनर कैरेक्टर होता है और वो दुखी रहने वाला आदमी होता है, जो आपके सेकेंड ब्रदर की मैंने बारे में बात की उसके बारे में। ये सारे तो हो गए इनके कैरेक्टर लिस्ट। अब मैं आती हूँ मेन कहानी पे। सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है वो दो भाइयों के बीच की कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है, ऑरलैंडो और ओलिवर। ओलिवर जो कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई होता है, ओलिवर जो है ऑरलैंडो को कुछ भी नहीं देना चाहता है। अपने साम्राज्य का, अपने पिता के संपत्ति का एक भी हिस्सा ऑरलैंडो को नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि वो इतना नेगेटिव आदमी होता है कि अपने भाई को मरवा देना चाहता है, जिसके कारण वो बोलता है उसके भाई को कि तुम जाओ, जो ड्यूक ऑफ साम्राज्य में रेशलर है चार्ल्स, उससे जाके तुम लड़ो। तो जिसके कारण ऑरलैंडो उसके लड़ने चला तो जाता है, पर उससे पहले वो अपने सर्वेंट जो होता है एडम, उससे डिस्कस कर रहा होता है कि मेरे भाई ने ये सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उसी वक्त ओलिवर वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम ये सारी बातें पे फोकस ना करो तो बेटर होगा, यहाँ तक कि तुम अपनी आप को प्रिपेयर करो चार्ल्स से लड़ने के लिए। तो वो थोड़ा दुखी होकर ओरलैंडो फिर वो ड्यूक ऑफ साम्राज्य में चला जाता है। तो जब वो ड्यूक ऑफ साम्राज्य में जाता है तो वहाँ पे सीनियर ड्यूक और जूनियर ड्यूक वहाँ पे रहते हैं उस वक्त। तो सीनियर ड्यूक और जूनियर ड्यूक में बहस हो जाती है, और बहस होने के बाद जो जूनियर ड्यूक होते हैं वो अपने भाई सीनियर ड्यूक को वहाँ अपने साम्राज्य से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ अगर रहे एक मिनट के लिए भी तो तुम इससे बुरा कुछ भी नहीं होगा, और उसे अपने साम्राज्य से निकाल देते हैं। और जो सीनियर ड्यूक होते हैं द फॉरेस्ट ऑफ एडन में अपनी लाइफ को व्यतीत करने लगते हैं एक वनवासी के रूप में। उसके बाद वो जो लड़ाई होने वाली होती है
वो जो लड़ाई होने वाली होती है वो ऑरलैंडो और साल्स के बीच में, तो उसी वक्त ऑरलैंडो और जो रोजीलैंड होती हैं, जो सीनियर ड्यूक की बेटी, वो दोनों मिलती हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बट उसी वक्त और रोजीलैंड और सीलिया उससे जाके ऑरलैंडो से जाके रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम ये लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, तुम इसके लिए अभी इतना प्रिपेयर्ड नहीं हो कि तुम चार्ल्स से लड़ सको, वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें हरा सकता है, यहाँ तक तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है इस लड़ाई में, तुम क्यों रिस्क ले रहे हो। तो वो बहुत समझाती है उसे, पर ऑरलैंडो बोलता है नहीं, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, और वो कहता है उसे कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, और फाइनली वो चार्ल्स से लड़ने को चला जाता है और वो उस लड़ाई को लड़ता है, और बहुत सारी मारपीट करने के बाद वो फाइनली उसकी जीत होती है। और उसी वक्त तो उसकी जो लास्ट मीटिंग होती है रोजीलैंड और ऑरलैंडो की, दोनों लास्ट बार मिलते हैं, और जब वो जीत के अपने राज्य में वापस आता है तो ओलिवर उससे बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है कि ये अभी तक मरा नहीं, और वो उसे अपने साम्राज्य से निकाल देता है। तो ये जब उसे अपने साम्राज्य से निकाल देता है तो वो भी एडन ऑफ फॉरेस्ट में ही जाके अपनी लाइफ को जीने, अपने जो सर्वेंट होता है एडम, उसके साथ अपनी लाइफ को वहाँ व्यतीत करने लगता है। तो एक दिन सीलिया और रोजीलैंड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वो ऑरलैंडो को अपनी दिल की जितनी भी फीलिंग्स है वो उसे जाके बताएंगे। तो ये सारी बातें जूनियर ड्यूक सुन रहे होते हैं, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा होते हैं रोजीलैंड पे, और वो कहते हैं कि तुम भी अपने पिता की तरह गद्दार निकली, तुमने भी मुझे धोखा दिया, और तुम इस राज्य से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तो उनके जाने के बाद जब जूनियर ड्यूक वहाँ से चले जाते हैं, तो तभी दोनों जो बहनें होती हैं रोजीलैंड और सीलिया, वो प्लान बनाती हैं कि हम लोग दोनों यहाँ से भाग भाग चलेंगे, और वो दोनों अपने फेस भेस को बदल लेती है, मतलब एक आदमी का रूप ले लेती है, बदल लेती हैं अपने आप को आदमी बना के वहाँ से भाग लेती हैं। रोजीलैंड जो होती हैं और एडन ऑफ फॉरेस्ट में चली जाती है, रोजीलैंड जो होती है गिन्नी मेड के नाम से उस फॉरेस्ट में रह रही होती है, और सीलिया जो होती है एलिना एलिना के नाम से वहाँ रह रही होती है। वो तीनों जो सीनियर ड्यूक और ऑरलैंडो और रोजीलैंड और सीलिया, तीनों एक ही जगह रह रहे होते हैं एडन ऑफ फॉरेस्ट में, बट ये तीनों को एक दूसरे के बारे में खबर नहीं होती कि तीनों वहीं रह रहे होते हैं, क्योंकि रोजीलैंड और सीलिया जो थी वो तो भेस बदल के रह रही थी। और एक दिन ऑरलैंडो जो है, एक दिन की बात है कि ऑरलैंडो बहुत मिस कर रहा होता है रोजीलैंड को, और तो ऑरलैंडो जो है वो रोजीलैंड को बहुत मिस कर रहा होता है, तो अपने फ्रेंड उनका जो सर्वेंट होता है एटम के साथ जंगल से जा रहा होता है, और उसके याद में वो सारी पेड़ों पे उसकी याद में कुछ ना कुछ लिखते जाता है, और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहता है। और वो ये भी लिखता है कि लास्ट टाइम उसने कब रोजीलैंड को देखा था उस युद्ध में, जब वो युद्ध करने जाता है चार से, ये सारी बातें देखते हुए, ये सारी बातें लिखते हुए वो जाता है। तभी वहाँ से रोजीलैंड और सीलिया भी उसी जंगल में रह रहे होते हैं, बट उसी जंगल से जा रहे होते हैं। तो रोजीलैंड और सीलिया जब उस जंगल से जा रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि पेड़ पे बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, तो वो पीछा करते करते, हर पेज के पीछा करते करते वो फाइनली ऑरलैंडो से मिलती हैं, पर ऑरलैंडो उन्हें पहचान नहीं पाता है, रीज़न क्योंकि उन दोनों ने अपना भेस बदल के रखा था। तो वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं ए गेनीमेड और मैं एलिना हूँ। तो वो सारी इंट्रोडक्शन के बाद वो पूछती हैं, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? और वो कहता है कि हाँ, मैं उससे उसे बहुत लाइक करता हूँ, पर पता नहीं मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो अब इस छोटे से जंगल में रहता हूँ, कैसे मैं इस कंडीशन में उसे जाके कहूँ ये सारी बातें। तो फिर वो जाके वो सारी बातें होने के बाद वो दोनों बहन उसे बिना सच्चाई बताए कि मैं कौन हूँ, और बोलती हैं कि वक्त आने पे मैं सारी बातें ऑरलैंडो को कहूँगी, और वहाँ से चली जाती हैं। तभी ऑरलैंडो आगे बढ़ते बढ़ते वो सीनियर ड्यूक से मिलता है, बट वो सीनियर ड्यूक को इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे जंगली लोगों के साथ रहते हैं, उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई होती है, वो अपनी लाइफ को बहुत एकदम वनवासी की तरह व्यतीत करने लगते हैं, जिसके कारण सीनियर ड्यूक को ऑरलैंडो पहचान नहीं पाता है। और वो बोलता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें खाना नहीं दे सक तो वो बोलते हैं कि हाँ, ऑरलैंडो को बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम यहीं बैठ के खा लो, बट वो थोड़े एग्रेसिव में बोलता है कि नहीं, मुझे खाना ले के जाना है।
क्योंकि उसका जो सर्वेंट था एडम, उसे भी उसे खाना देना था, बट वो थोड़ा एरोगेंट होके बोलता है, बट उसका उनका उनका नेचर ऐसा नहीं था कि थोड़ा एरोगेंट हो। तो फाइनली वो अब उनसे बोलता है बहुत प्यार से कि मैं एडम, मैं मेरा एक सर्वेंट है, उसके लिए भी मैं खाना लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर वो उसे खाना देते हैं और वो दोनों खाना खाने को खाना लेके चल जाते हैं। वो दोनों बैठ के, जो ऑरलैंडो और एडम होते हैं, खाना बैठ के खाने लगते हैं। ये सारी बातें हो रही होती है तभी तभी जो जूनियर ड्यूक होते हैं वो ओलिवर के पास पहुंचते हैं। ओलिवर जो ऑरलैंडो का भाई होता है, और आप भी सोचेंगे कि वो क्यों ऑरलैंडो जो जूनियर ड्यूक है वो क्यों ओलिवर के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्यों उनकी बेटी उनकी भगाने में, एस्केप करने में उनके भाई ऑरलैंडो का ही हाथ है। तो ओलिवर से कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी दोनों बेटियाँ कहाँ हैं, ऑरलैंडो को जल्द से जल्द यहाँ पर लाओ। तो वो ऑरलैंडो बोलता है, ओलिवर बोलता है कि मैंने अपने भाई ऑरलैंडो को कुछ ही समय पहले अपने राज्य से निकाल दिया था, बट वो उसे भगाता नहीं है, वो दोनों खुद से ही भागी होती हैं। तो फिर ये सारी बातें हो ही रही होती हैं, तो ओलिवर अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ता है जंगल में। तो वो जब जंगल में निकलने के लिए जाता ही है, तो वो निकलता है जंगल में खोजने के लिए। तो वो जब जा रहा होता है जंगल में, तो बहुत बहुत जंगली जानवर भी उन्हें मिलते हैं, पर एक जंगली शेर जो होता है उस पर हमला कर देता है। तो उससे ऑरलैंडो उसकी जान बचाता है। तभी ओलिवर बहुत भावुक हो जाता है और कहता है, मैंने इसी भाई को अपने मरवाने की कोशिश की थी और इसी भाई ने मेरी जान बचाई, जिससे वो बहुत भावुक होकर अपने भाई को गले लगा लेता है। और वो बोल और जब वो जख्मी हो जाता है ओरलैंडो, तो वो बोलता है कि जाओ, वहाँ मेरे कुछ दोस्त होंगे जो गिनीमेड और तो ऑरलैंडो बोलता है कि मेरी कुछ फ्रेंड है वहाँ पे जो वहाँ रह रहे होते हैं, जाके तुम उसे इन्फॉर्म कर दो। तो वो जब उन्हें जाता है इन्फॉर्म करने के लिए, तो वो एलिना जो मतलब सीलिया जो होती हैं वो गर्ल के बीच रूप में होती है, तो उसे पसंद कर लेता है। जो ओलिवर होता है वो उसकी बहन को पसंद कर लेता है, और वो दौरा दौरा वो सारे इन्फॉर्म करने के बाद वो दोनों बहन के साथ वहाँ आता है। बट वो दोनों बहन के साथ वहाँ आता है और बोलता है कि अपने भाई को बताता है चुपके से कि मैं जो ये एलिना है मैं उसे पसंद करता, जो सीलिया थी मैं उसे पसंद करता हूँ। वो दोनों की बीच में बात हो जाती है और कहते हैं कि मैं जल्दी ही शादी कर लूँगा। तभी ऑरलैंडो बोलता है कि काश मैं रोजीलैंड से भी अपनी सारी दिल की बातें कह पाता। तो रोजीलैंड तभी बोलती है कि सीरियसली तुम उससे प्यार करते हो। और तभी उधर से सीनियर ड्यूक भी आ रहे होते हैं, जो रोजीलैंड के पिता होते हैं। और जब वो रोजीलैंड को दे रो, जब वो सीलिया को देखते हैं तो वह पहचान जाते हैं कि वही लोग हैं। तो तभी वो सारी बातें होती हैं और रोजीलैंड अपना असली चेहरा वो दोनों को दिखा देती है, और सीनियर ड्यूक कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्दी करवाऊंगा। तो उसी वक्त जो जूनियर ड्यूक होते हैं वो खोजते हुए गुस्से से आ रहे होते हैं, तभी उनकी भेंट एक पंडित से होती है, बहुत महाज्ञानी पंडित से होती है, और उसे ज्ञान देता है। मतलब एक तरह से वही जैक्यू जो उनका ब्रदर होता है, वो दौरा दौरा आता है जूनियर ड्यूक को ज्ञान देने के बाद वो दौरा दौरा आता है अपने दोनों भाइयों के पास और कहता है कि जो जूनियर ड्यूक हैं वो तुम दोनों को खोज रहे हैं बहुत देर से और तुम दोनों को मारना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि शायद शायद उनकी जो भावनाएं हैं, मेरे 7 स्टेजेस, वो जैक्यूज जो होता है, वो मोनोलॉग की कैरेक्टर होता है, वो सारी अपने एक स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में उन्हें बताते हैं कि कैसे वो 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में उनसे डिस्कस करता है। आगे आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ना है, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है कैसे एक नवजात शिशु वॉमिट करने के बाद वो सेकेंड स्टेज में अपने स्कूल जाता है, टीनेजर में अपनी टाइम को मिस करता है, फोर्थ में वो आर्मी मैन बन जाता है, फिफ्थ में वो मुखिया बन जाता है, और बिग ब्रांड लास्ट में वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, और फाइनली 7th स्टेज में आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी बातें जूनियर ड्यूक सुनते ही उनका जो मोह होता है राज्य के प्रति, वो सब कुछ त्याग देते हैं और वो चाहते हैं कि सारा राज्य उनका जो भाई सीनियर ड्यूक का था उन्हें ही मिल जाए। और तब वो सारी सारे जो मेंबर होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं उसी जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ एडन में,
और वो दोनों वो कहानी ऐसी यहाँ पे एंडिंग होती है, और रोजीलैंड और ऑरलैंडो की शादी हो जाती है, और ऑलिवर और सीलिया की भी शादी हो जाती है, और हैप्पीली दोनों राज्य के राजा रहने लगते हैं, और जो जूनियर ड्यूक होते हैं वो अपनी लाइफ को पूरे पृष्ठ के रूप में सौंप देते हैं और राज साम्राज्य से अलग हो जाते हैं। इस तरह से इस कहानी की अंत होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।